सो गेमर्स, अगर आप PUBG मोबाइल KR वर्जन को डाउनलोड करते हो, चाहे वो एंड्रॉयड डिवाइस हो चाहे वो iOS डिवाइस हो, अगर आपको उसमें इरर मिलता है जैसे कि सर्वर इज करेंटली अंडर मेंटेनेंस, प्लीज चेक द ऑफिशियल साइट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। बहुत ही इजीली इस इरर को फिक्स कर सकते हैं और अपने गेम को ओपन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको एंड्रॉयड में भी बताऊंगा। एंड्रॉयड में तो आई थिंक आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर ली होगी क्योंकि इसमें बहुत ही ईजी है, बट फिर भी मैं आपको बहुत ही ईजी वे में यहाँ पे समझा दूंगा। बट यहाँ पे गाइस जो मैं iOS के बारे में बताऊंगा थोड़ा गाइस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जिससे जो आपकी प्रॉब्लम है बिल्कुल भी सॉल्व हो जाए और आपका जो पिंग का जो इशू है वो भी ना आए गाइस। तो जो गाइस iOS की प्रॉब्लम है उसमें सिर्फ आपको एक ही बार ये ट्रिक करनी होगी, फिर आपको कोई भी VPN लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आपका गेम जो है ओपन हो जाएगा और आपकी जो पिंग है वो भी बहुत ही अच्छी पिंग जाएगी, नॉर्मल जैसे पहले बैन नहीं हुआ था PUBG वैसे आपकी पिंग जाती थी, सेम वैसे ही जाएगी पिंग। तो गाइस आप एंड्रॉइड पे इस प्रॉब्लम को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले गाइस आपको प्ले स्टोर को ओपन करना पड़ेगा। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा SoloVPN। तो SoloVPN सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। हालांकि यहाँ पे मेरा पहले से ही डाउनलोड है तो यहाँ पे मेरा ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ओपन करने के बाद गाइस जिसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विच लोकेशन टू साउथ कोरिया, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है जहाँ पे साउथ कोरिया लिखा है। कई सारे यहाँ पे आपको सर्वर शो करें बट आपको यहाँ पे साउथ कोरिया ही सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपने VPN को कनेक्ट कर देना है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो VPN है वो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। बस गाइस इसको आप हाइड करके अपना जो भी PUBG KR वर्जन है उसको जाके आप ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपका गेम इजीली रन हो जाएगा। अगर मेरे मोबाइल में तो भी PUBG KR वर्जन डाउनलोड है नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको मैं सिंपल तरीके से बता दूंगा एंड्रॉयड में, बट आगे iOS में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो गाइस उसके बाद आपको जो है जैसे आपको PUBG ओपन है तो उसके बाद आपको उसको मिनिमाइज़ कर देना। मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे आपको इस SoloVPN में आना है, उसके बाद इसको डिस्कनेक्ट कर देना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद को आपको क्लोज कर देना है, आपको PUBG पे क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लोडिंग दिख जाएगा, उसके बाद जो आपका पिंग वाला इशू रहेगा वो बिल्कुल भी ग्रीन हो जाएगा और फिर से नॉर्मली आपको जो पिंग मिलती थी 48-52 वो पिंग आपको देखने को मिलने लगी गाइस। और गाइस जो ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये तो एकदम 100% वर्किंग है। अगर आपकी ट्रिक वर्क नहीं करती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से आके डिसलाइक करके जा सकते हैं, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 100% वर्किंग ट्रिक है गाइस। आई होप अब गाइस आपकी एंड्रॉइड वाली प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी सॉल्व हो गई होगी, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे नॉर्मली तरीके से बता दिया। अब गाइस जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो iOS यूजर के साथ आ रही है, उनको जो PUBG KR ओपन करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो लोग फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करते हैं, जब आप उसको ओपन करते हैं तो सर्वर इज करेंटली अंडर मेंटेनेंस वाली जो प्रॉब्लम आती है वो मेन गाइस है। तो इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं वो भी आप हम आपको डिटेल में बिल्कुल बताने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले गाइस आपको करना क्या है, आपका जो ऐप स्टोर है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें गाइस आपको सर्च करना है OpenVPN। तो OpenVPN लिखने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली का सर्च कर देना है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं OpenVPN कनेक्ट लिख कर आ रहा है, तो इसको आपको यहाँ पे मेरा ओपन का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ पे आपका गेट का ऑप्शन आ रहा हो तो इसको आप पहले से डाउनलोड कर लो। तो जब इसको डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा बैक आ जाएंगे तो नीचे आपको एक और ऐप देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है BestVPN Proxy VPN Spider। तो इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है गाइस। तो ये दोनों ऐप्स आपको डाउनलोड कर लेना है। गाइस आपने दूसरा वाला ऐप डाउनलोड किया था वो भी VPN Spider, इसको आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना है। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको कुछ VPN DNS एड्रेस नीचे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं कोरिया रिपब्लिक ऑफ। तो यहाँ पे गाइस अगर आपका ऐसा नहीं शो कर रहा है, जैसे कि ऊपर देख सकते हैं KR US JP JB DE CN लिखा है, तो यहाँ पे अगर आपका US में सेलेक्ट है गाइस, ठीक है, तो US में अगर आपका सेलेक्ट है तो वो आपको KR में कर लेना है, ठीक है। KR में करेंगे तभी यहाँ पे आपको जो है कोरिया रिपब्लिक ऑफ लिख कर आएगा। तो गाइस इतना आपको करने के बाद पोर्ट पे सिंपली क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे दूसरा इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको मोर पे क्लिक कर देना है। मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे OpenVPN लिख के आ रहा है जो आपने दूसरा ऐप डाउनलोड किया था, OpenVPN पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसको आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद यहाँ पे ऊपर से फिर से एक ऐड का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप ऐड कर लीजिए। फिर गाइस यहाँ पे आपको एक OpenVPN प्रोफाइल लिख के आ रही है, ठीक है, तो एक मैंने पहले से ऐड करके रखा है तो सेम वही नीचे भी लिख के आ रही है। तो यहाँ पे एक आपको आपके में एक ही लिख के आएगी क्योंकि मैं ये दोबारा करूँ तो इसीलिए मेरी गाइस यहाँ पे दूसरी प्रोफाइल ओपन वाली लिख कर आ रही है, ठीक है। तो मैं पहले एक बार कर चुका हूँ, अब ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसी भी VPN पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे गाइस थोड़ा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा प्रोसेसिंग चलेगी, उसके बाद जो आपका VPN है देख सकते हैं कनेक्ट हो गया है। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपली इसको आपको बैक करना है, जाना अपने PUBG KR में और उस पर क्लिक कर देना है।
और फिर थोड़ा यहाँ पे वेट कर लेते हैं इसका ओपन होने का। तो गाइस जो ये प्रॉब्लम है बिल्कुल भी रियल है, आप इससे अपने पबजी केआर वर्जन को बहुत ही इजीली ओपन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सिर्फ एक ही बार इस वीपीएन को आपको कनेक्ट करना है, सेकेंड टाइम में आप इसको वीपीएन को डिसकनेक्ट कर देंगे और वहां से जाके अपने उस जो दोनों वीपीएन डाउनलोड करें हैं उनको अनइंस्टॉल भी कर देंगे, तब भी ये आपका ओपन हो जाएगा। तो यहां पे देख सकते हैं गाइस मेरा जो है ओपन हो चुका है, ठीक है। तो गाइस अब करना क्या है आपको, अगर यहां पे देख सकते हैं मैं इसको यहां पे मिनिमाइज़ करता हूं और जो वीपीएन मेरा ओपन है उसको मैं डिसकनेक्ट कर देता हूं। तो यहां पे देख सकते हैं गाइस मैंने डिसकनेक्ट कर दिया। अब फिर से हम लोग चलते हैं पबजी मोबाइल की तरफ। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं थोड़ा लोडिंग अभी ले रहा है, उसके बाद लोडिंग होने के बाद यहाँ पे फिर से आपका यहाँ पे पिंग जो रहता है वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस रेड पिंग नीचे बन के आया था, फिर से यहाँ पे ग्रीन हो गया है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ईजिली है बिना वीपीएन के भी चल रहा है, और यहाँ पे आपको पिंग भी बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। जब आपका पबजी मोबाइल इंडिया में बैन नहीं था जैसे आप तब भी देख पा रहे थे, वैसे ही सेम पिंग गाइस अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आई होप गाइस 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।